देखिए मेरी बात पे हंसेंगे आप, मगर बड़े ध्यान से देखिए और प्रैक्टिकली इसको अपना के देखिए कितना कंफर्ट फील करते हैं। देखिए लद्दाख की बात है, मैं बताता हूँ आपको, अपने बताता हूँ सॉक्स अंडर गारमेंट्स की बातें। ये सॉक्स लिए थे मैंने लद्दाख से, सर्दी बहुत थी और -8-9 टेम्परेचर था वहाँ पर। सॉक्स लिए वहाँ पर सर्दी बचाने के लिए, पैर में दर्द होने लगा। तो ट्रैकिंग पे मैं जाता रहता था, उससे पहले मुझे पता नहीं था। एक ट्रैकर मिला, बोले आप इतनी ट्रैकिंग करते हैं, आपने कमाल कर दिया, आपने जूते उतारे। तो मैंने जूते उतारे तो पैर में रैशेस बड़े ब्लस्टर से पड़ रहे थे, बड़े मतलब बुरी हालत हो रही थी पैरों की, बहुत लंबी ट्रैकिंग करी थी वो। तो सॉक्स देखे तो उसने बताया, देखिए सॉक्स आप पहनते हैं ना, जनरली सीधे सॉक्स पहनते हैं, ठीक है, हर एक आदमी की अपनी तमन्ना होती है ठीक अच्छा दिखे, मगर देखिए जो जितना चिकना वाला पोर्शन है, कोई भी अच्छे से अच्छा सॉक्स, ये देखिए बड़ा एक्सपोर्ट क्वालिटी का सॉक्स है ये वाला। और इसको फिर मैंने पलटा, तो पलट के देखिए इसमें आप देखेंगे जो हमारे पैर के अंदर रहता है हिस्सा, कितने भी अच्छे से अच्छे सॉक्स ले लीजिए आप, ये जो सिलाई होती है ये पैर में चुभती है, और अगर लंबे डिस्टेंस में आप जा रहे हैं अगर चुभेगी तो वहाँ घाव कर देगी। कोई भी अच्छे से अच्छा सॉक्स ले लीजिए। अब देखिए ये सॉक्स ये वाला है, बाहर से देखिए कितना चिकना है, कितना स्मूथ है, और अंदर से देखिए क्या हालत है इसकी। अब इधर से पहनेंगे पैर के अंदर तो पैर में ये लगातार जूते और सॉक्स में जो घर्षण होगा कितना पेनफुल होगा वाला, और अगर ये वाला जो आपका चिकना पोर्शन है ये अगर अंदर है तब कितना कंफर्ट फील करेंगे आप, नंबर एक। मगर इसमें वही चीज़ कि मैंने कहा ना कि फैशन के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं या कम्फर्ट के लिए कर रहे हैं। चलिए नंबर दो पर आते हैं। देखिए अंडरवियर ले लीजिए, अंडर गारमेंट ले लीजिए, पेंटीज हो कुछ भी ले लीजिए, जनरली अच्छे से अच्छा पहनते हैं लोग बाग, मगर कितनी अच्छी ब्रांडेड किसी भी क्वालिटी का ले लेंगे आप, इसके अंदर देखिए आप, अंदर ये जो लाइनिंग होती है ये इस पर उंगली फिरा के देखिए, ये कितनी अच्छे से अच्छा आप ले लें, कितने कॉस्टली ले लें आप, चाहे ब्रांडेड ले लें चाहे कोई ऑर्डनरी सा ले लें। ये ऑर्डनरी लेंगे तो उसमें ज़्यादा होती है, ब्रांडेड लेंगे तो उसमें कम होती है, मगर ये चुभती है अंदर, और कंटिन्यूसली 5-6-7-8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे, बहुत सारे लोग 18-18-20-20 घंटे पहने रहते हैं, तो सोचिए एक पर्टिकुलर एक सॉफ्ट पॉइंट पे, एक डेलिकेट पॉइंट पे कंटिन्यूसली चुभती रहेगी, चाहे अंडरवियर हो चाहे पेंटी हो, तो कैसा लगेगा आपको, कितना कोमल पार्ट होता है वाला। इसी तरीके से बनियान कर ले लीजिए, बनियान भी देखिए आप, उसका जो इसके सिलाई होती है अगर आप उसको उल्टा करके पहने, चिकना वाला पोर्शन अंदर करें तो वो तो चलिए, अब फिर आदमी हंस के कहने लगेगा तो इसका मतलब कपड़े भी उल्टे पहनने लगे क्योंकि सिलाई तो हर में अंदर होती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे आज भी ऐसे कपड़े आते हैं, लोग बाग कहते हैं कि जो चिकना वाला सरफेस है वो अंदर रखो, बहुत सारे लोग कहते हैं, आप देखिए उल्टे कपड़े सिलवाते हैं बहुत सारे लोग, मगर क्योंकि देखिए दिखावा है, समाज में रहना है तो उल्टा तो नहीं पहन सकते, और बाहर वाले कपड़े से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर बनियान हुई, ऊपर से आपकी शर्ट हो गई। अब इसमें अगर मान लीजिए आप ऊपर उल्टा पहनेंगे तो हंसी के पात्र बन जाएंगे ना, मगर जो अंडर गारमेंट हैं, अब जैसे देखिए मैं एक शर्म आ रही है मुझे बताते हुए, महिलाओं को ले लीजिए, मैं दिखाऊंगा नहीं, उसमें क्या है वो ब्रा पहनती हैं, और ब्रा स्पेशली जिनके हैवी बस्ट हैं, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ब्रा के अंदर देखिए जो उसका अंदर की सिलाई होती है, बहुत सारे हर एक तो अच्छे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो वैसी ब्रा होती हैं उनमें जो सिलाई होती है ना बहुत चुभती है, इतने डेलिकेट पार्ट में, इतना सॉफ्ट पार्ट होता है, वहाँ पे लगातार घर्षण होता रहेगा तो कैसा लगेगा। तो ब्रा को भी उल्टा पहने अगर तो कितना कंफर्टेबल लगेगा, मगर अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये बॉडी फिगर आप कॉन्शियस हैं, या आप हंसी के पात नहीं बनना चाहते, क्योंकि दिखाना तो है नहीं किसी को, ये तो आपके अपने खुद स्वांत सुख है, अपने सुख के लिए है। हाँ एक बार उसमें ज़रूर आएगी, क्योंकि ब्रा में जनरली जो हुक या वो जो क्या होते हैं लगाने वाले जैसे चिपकाते हैं, तो चिपकाने वाला वो कुछ ऐसे होती हैं ब्रा, वो उल्टा होगा तो वो चिपकेगा नहीं होगा उसमें, तो दर्जी के पास चले जाइए आप, दर्जी से कहिए बोले भैया इसको सीधा कर दे, एक बार को हंसेगा ज़रूर वो, मगर उसकी हंसी देखेंगे या अपना आराम देखेंगे आप। तो ये इस तरीके से मैंने आपका सॉफ्ट का बताया, मैंने आपका अंडरवियर का बताया, मैंने पैंटी का बताया, बनियान का बताया, और सबसे बड़ी चीज़ सॉक्स का बताया। देखिए सॉक्स तो आप बच्चे को ना आज ही से पहनाना शुरू कर दीजिए आप देखिए कि बच्चा आके जैसे उतार के हम घर में घुसते हैं तो जूते उतार के फेंकते हैं ना, तो ये लगेगा कि आपको नहीं फेंकें क्योंकि चिकनी वाली सरफेस ये अंदर रहेगी तो कंफर्ट फील करेंगे। बहुत छोटा सा मैंने ये मेरे दिमाग में आया बैठे बैठे, इसलिए कि मैं खुद करता हूँ, मैं खुद इसका अनुभव लेता हूँ, खुद मुझे अच्छा लगता है, आप भी करके देखिए। और ये
इसमें फिर अंडरगारमेंट में और भी चीज़ बताऊँ, देखिए जो ये पर्टिकुलर जो ये अंदर पोर्शन होता है ये वाला, ये सिलाई जहाँ होती है, इनमें पसीना, स्वेटिंग, फिर इसके बाद में इसमें आपको पता है फंगल इन्फेक्शन, इसमें फिर जीवाणु कीटाणु वो बसने लगते हैं, थोड़ा सा भी पसीना हुआ, थोड़ी सी भी गंदगी लगी इसमें, तो उससे बचने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ये सर्फेस बाहर रहेगी तो एक्सपोज रहेगी हवा में, इसमें हवा लगती रहेगी, चिकना वाला पोर्शन अंदर रहेगा। बहुत छोटा सा मैंने चीज़ बताई, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक जरूर कर दें। गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस में मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलते हैं, उसमें हर्ब्स हैं, शब्द हैं, लाइफ मैनेजमेंट के लिए हैं, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए हैं, हस मुद्रा चिकित्सा है, अकल्ट की दुनिया भर की विधाएं हैं, जितनी भी 28-29 अकल्ट से रिलेटेड गुहे विधाएं हो सकती हैं उनसे रिलेटेड, बस एक बार क्लिक तो कीजिए आप, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज में जाइए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। बस एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें जो भी मेरा वीडियो देखें, इससे आपको क्या होगा रेगुलर हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेडिंग गोपाला जू, ये हंसिएगा नहीं मेरी बात को देख के, बस इसको ध्यान रखिए और इसको देखिए कितना अच्छा लगता है आपको। ऑल द बेस्ट, गुड लक।